लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। रूप सिंह यादव रिटायर हो चुके हैं, जबकि राजकुमार यादव अब भी सिंचाई विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात है। सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को यूपी सरकार की सिफारिश पर 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई का कहना है कि लंबी जांच और पुख्ता सबूतों के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ये गिरफ्तारियां आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। आपको बता दें कि साल 2015 में लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट करीब 550 करोड़ था, लेकिन आरोप है कि अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से बजट करीब 1500 करोड़ जा पहुंचा और 1437 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी 60% काम भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये अहम खबर, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद कहां कहां तक इस पूरे घोटाले के तार जो है वो जुड़े हुए हैं, वो सारी डिटेल निकल करके सामने आएगी। सीबीआई ने 23 नवंबर 2017 को ये पूरी सब जांच शुरू की थी। लंबी जांच और पुख्ता सबूतों के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन निकल करके सामने आया है। आपको बताने की उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि काफी वक्त से लगातार ये घोटाला सुर्खियों में था, लेकिन अब जिस तरीके से 2 गिरफ्तारियां हुई है उसके बाद ये देखना अहम होगा कि इस केस में आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं। गोमती रिवर फ्रंट का ये पूरा मामला है। सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस घोटाले में। बता दें कि सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को घोटाले की जांच शुरू की थी और लंबी जांच पुख्ता सबूतों के बाद ही इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें आपको कि लंबी जांच चल रही थी, सबूतों की बात लगातार कही जा रही थी और अब पुख्ता सबूत जुटा करके इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बड़ा एक्शन ये हुआ है। सीबीआई ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। रूप सिंह यादव रिटायर हो चुके हैं, जबकि राजकुमार यादव अब भी सिंचाई विभाग के सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात है। बता दें आपको कि सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को यूपी सरकार की सिफारिश पर 8 आरोपियों के खिलाफ बकायदा मामला दर्ज किया था और मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। सीबीआई का कहना है कि लंबी जांच और पुख्ता सबूतों के बाद ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये अहम खबर है, ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी इनसे। आपको बता दें कि साल 2015 में लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का काम जो था वो शुरू हुआ था। और गौर करने वाली बात यह है, जरा आप इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, कि इस प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट जो था वो करीब 550 करोड़ था, लेकिन आरोप ये लगा कि अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से बजट करीब 1500 करोड़ जा पहुंचा। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि 1437 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी महज 60% ही काम जो है वो पूरा हो पाया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उम्मीद करें कि अब इस घोटाले का पूरा सच सामने आएगा। देखिए, सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है, इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए हैं जो कि रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव हैं। रूप सिंह यादव रिटायर हो चुके हैं, जबकि राजकुमार यादव अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं। और 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, क्योंकि इससे पहले ही जब बीजेपी की सरकार आई है यूपी के अंदर, उसने जब देखा कि गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर घोटाला हो रहा है और इसमें काम बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है, तो जिसके बाद एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवाई गई। उसने अपनी जांच में पाया कि किस तरह से जो अफसर हैं सिंचाई विभाग के और जो तत्कालीन सरकार के जो नेता थे, वो उनकी मिली भगत से किस तरह से इसमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर घोटाला किया गया है, जिसके बाद लखनऊ में ही सबसे पहले मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसने अपने मंत्री की अध्यक्षता में भी मामले की जांच कराई। उस कमेटी ने भी पाया काफी सारी इसके अंदर अनियमितताएं पाई गई हैं। सीबीआई को ये मामले की जांच सौंपी गई, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की, छापेमारी की, अब जा करके इस पूरे मामले के अंदर पहली बार गिरफ्तारी की गई है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और निश्चित तौर पर जो सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि अब ये पहली जो शुरुआत है इसमें हो चुकी है, अब आगे आने वाले दिनों में इसमें और भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो कि इस घोटाले से जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से ये घोटाला हुआ। 8 यूपी सरकार की सिफारिश पर 8 आरोपियों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद ही पूरी जांच शुरू हुई थी। फिलहाल गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।